हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। इस वीडियो में जानेंगे कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2021-22 विषय संस्कृत के प्रश्न पेपर को। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। अव्यय युक्तेन शब्द अस्ति, इनमें चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से एक सही है, जो सही है उसको टिक लगाना है। फिर है प्रश्न दूसरा, इनमें भी चार ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से एक सही है, उनको टिक लगाना है। तीसरा और ये चौथा और ये पांचवा, इस तरह से कुल पांच प्रश्न है, पांचों में चार चार ऑप्शन है, जिनमें से सही ऑप्शन को टिक लगाना है। प्रश्न दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, इनमें भी पांच है और पांचों एक एक अंक, इस तरह से ये भी पांच अंक है। प्रश्न तीसरा है, उचित शब्द जोड़िए, ये भी पांच है और ये भी पांच अंक ही है, इनमें जो दिया है दोनों साइड उनमें सही शब्द को चयन करके जोड़ी बनाकर लिखना है। प्रश्न चौथा है, निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद का नाम लिखिए, दो अंक है, इनमें तीन दिए, इनमें से कोई दो को संधि विच्छेद का नाम लिखना है। उसके बाद है, निम्नलिखित पदों का समास विग्रह कर नाम भी लिखना है, इनमें भी तीन दिया है, जिनमें से कोई दो का समास विग्रह कर उनका नाम भी लिखना है। प्रश्न छठवा है, निम्नलिखित गद्यांशों का हिंदी अनुवाद कीजिए, यहाँ पर का और खा, इस तरह से दो गद्यांश है, दोनों गद्यांश को संस्कृत में दिया है, उसको हिंदी अनुवाद करके लिखना है। प्रश्न सातवा, निम्नलिखित श्लोकों का हिंदी अनुवाद कीजिए, उसके बाद सातवा में का और खा, इस तरह से दो श्लोक है, दोनों श्लोक का हिंदी अनुवाद करके लिखना है, ये भी 6 अंक का प्रश्न है। प्रश्न आठवा, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ श्लोक लिखिए, कोई एक। प्रश्न नौवा है, निम्नलिखित संख्याओं को संस्कृत में लिखना है, कोई दो। निम्नलिखित शब्दों का प्रत्यय पृथक करना है, ये भी कोई दो प्रत्यय पृथक करना है। फिर है प्रश्न 11, जिसमें उपसर्ग अलग करके लिखना है, कोई दो। प्रश्न 12 है, निम्नलिखित शब्दों के शब्द रूप लिखना है, तीन दिया है, जिनमें से कोई दो का शब्द रूप लिखना है। प्रश्न 13 है, निम्नलिखित धातुओं के निर्देश अनुसार धातु रूप लिखना है। 14 है, निम्नलिखित में से किन्हीं चार प्रश्नों को उत्तर संस्कृत में लिखिए, तो यहाँ पर प्रश्न 14 में पांच प्रश्न संस्कृत में दिया हुआ है, जिनका उत्तर संस्कृत में ही देना है। फिर आगे है प्रश्न 15, जिनमें प्रश्न दिया हुआ है और ये प्रश्न है संस्कृत में, और इन संस्कृत में जो प्रश्न दिया है उसका उत्तर पांच दिया है, उनमें से कोई चार का उत्तर हिंदी में लिखना है। प्रश्न 16 है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर संस्कृत में उत्तर लिखिए, गद्यांश दिया हुआ है उसे पढ़कर जो प्रश्न दिया हुआ है उसका उत्तर संस्कृत में देना है। प्रश्न 17 है, अपने अध्ययन की जानकारी देते हुए अपने पिता को पत्र लिखिए, अथवा अपने प्राचार्य को ज्वर से पीड़ित होने का उल्लेख करते हुए 3 दिन की अवकाश के लिए संस्कृत में आवेदन पत्र लिखिए, दोनों में से किसी एक पर संस्कृत में लिखना है। प्रश्न 18 है, निम्न वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए, इन पांचों को जो हिंदी में दिया है उसे संस्कृत में लिखना है। प्रश्न 19 है, निम्नलिखित किसी एक विषय पर संस्कृत में निबंध लिखिए, चार निबंध दिया हुआ है, जिनमें से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। इस वीडियो में इतना ही।